दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 24 घंटे पहले तमाम जगहों पर यही चर्चा थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दे दिया है और अब चीजें दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच सुलझ जाएंगी, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते और ये लड़ाई अब एक नया रूप रख चुकी है। मेरे साथ प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप आपका भी स्वागत है, फाउंडर हैं जन की बात के। मुद्दा क्या था, केजरीवाल जी ने बोला था कि डोरस्टेप डिलीवरी नहीं करने दी जा रही, केजरीवाल जी ने बोला था कि हमें वाईफाई नहीं लगाने दिया जा रहा, केजरीवाल जी ने बोला था कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाए जा रही। अब पहला लॉजिकल स्टेप क्या था जनता के हित में कि आप ये करते, उसके बाद अगर अधिकारी बोलते कि इसमें हम नहीं मानेंगे तब समझ में आता कि हां अधिकारी अड़ंगने लगा रहे। आपने अपना पूरा समय पॉलिसी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपके हित में मामला दिया था उसमें आपने अपना समय नहीं लगाया। मान लीजिए आपने एग्जीक्यूट किया होता उसके बाद अधिकारी अड़ंगे लगाते, एलजी अड़ंगे लगाते तो राघव का पॉइंट सही था, ही डिड नॉट एड्रेस दैट पॉइंट। सेकंड, अब इन्होंने जो मेरे वकील साहब हैं उन्होंने जो जजमेंट में ऑब्जर्वेशन कोर्ट की पांच जज के सुप्रीम कोर्ट बेंच में कंक्लूजन पे अगर आप जाएंगे जिसमें तीन जजेस ने 217-231 कंक्लूजन मतलब सब ऑब्जर्वेशंस के बाद कंक्लूजन है, उसमें सर्विसेज वर्ड है ही नहीं, उसमें कहा गया है कि जो तीन कैटेगरीज है ब्रैकेट एग्जेम्प्टेड, तो अब एग्जेम्प्टेड के अलावा जो पब्लिक पॉलिसी की डिसीजन है उसमें दिल्ली सरकार के पास राय। तो अभी तक क्या चलता था, अभी तक तो मतलब क्या हुआ, स्टेटस को चेंज नहीं किया। तो शीला दीक्षित के समय से क्या चलता था कि नाम दिए जाते थे आपके दिल्ली सरकार की तरफ से, तीन नाम दिए जाते थे, चार नाम दिए जाते थे, उसमें से एलजी एक सिलेक्ट करते थे। तो अभी तक एज पर द नोटिफिकेशन उस स्टेटस को चेंज नहीं किया, बात 2015 के नोटिफिकेशन को। जब भी संवैधानिक पीठ अगर किसी भी मामले को रद्द करती है तो उसके बाद आप एक लर्नेड आदमी है, आप एक मेरा क्वेश्चन है, पांच जज का कोर्ट का असेसमेंट है, उसके उनमें से आपके यहाँ पे जो सम्मानित वकील साहब है उन्होंने कुछ दो पैराग्राफ को कोट किया जो ऑब्जर्वेशन है, तो आप पांच जज में से एक जज के एक दो पैरे को कोर्ट करके वो यूनिसन पांच जजेस की राय कैसे कह सकते हैं, मेरा सवाल ये है ना। पांच जजों ने तीन फैसले पढ़े, हो सकता है तीनों की राय बिल्कुल मिलती हो पर तीनों ने अपनी अपनी भाषा का इस्तेमाल किया। तीन जजेस में एक फैसला, एक फैसला, एक ने एक। अगर ये मान लिया जाए तो फिर हर यूटी की अलग से स्टेट कार्डर होनी चाहिए, व्हाई इज देयर नो यूनियन टेरिटरी कार्डर, अगर ये माना जाएगा तो फिर आप गलत कह रहे हो, स्टेट कार्डर पर तब भी कोर्ट ने नहीं कहा कि सर्विसेज को छोड़ दिया जाए, कोर्ट ने छोड़ दिया ना बेंच के पास करेगा, पूरी फैमिली आपके पास है, फैमिली फैमिली में वाइफ भी है, बच्चा भी है, पिछले साढ़े चार महीने से अफसरशाही हड़ताल पर है, किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई और उस मंत्रिमंडल की बैठक के बाद देखिए मुझे रोकेंगे, बताइए मुझे रोका जा रहा है क्योंकि मैं क्योंकि आप मुझे चार घंटे दिल्ली की जनता को क्यों नहीं दिए, कल को कोई अधिकारी ऐसी बात करता तो सब कुछ आपके पाले में हो जाती। मतलब आपका पहला जो काम होता है वो कॉन्फ्रंटेशनल, जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्रंटेशन होता है, देखिए उनकी अलग इंटरप्रिटेशन, इनको भी पता था मेरी अलग इंटरप्रिटेशन होगी, किसी और की अलग इंटरप्रिटेशन होगी, आपने वो आपको पता था कि अगर आप मोहल्ला क्लिनिक पास करते कोई कुछ नहीं कहता, अगर आप डोरस्टेप डिलीवरी पास करते कोई कुछ नहीं कहता, तब अगर अधिकारी कहते तो राघव की बात मानी जाती। मेरे को लगता है 2019 को देखते हुए रेलेवेंस में आते हुए सबसे बड़ा योजना मोदी के खिलाफ केजरीवाल जी को प्रोजेक्ट करने की बात।